ओडिशा मल्लागिरी जिला कांटाबास की कांवड़िया संघ की तरफ से 40 कांवड़ियों की टीम बाबा वैद्यनाथ की धाम में हजारों किलोमीटर की यात्रा में निकल चुके हैं। कांवड़ियों का कहना है कि शहर, राज्य, देश सुख समृद्धि शांति भलाई की कामना कर 40 श्रद्धालु इतनी लंबी यात्रा करेंगे। बोलबम बाबा वैद्यनाथ की यात्रा कांटाबांजी से यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है। हम लोग यहाँ से देवघर से वापस सुल्तानगंज जाएंगे, वहाँ से जल भरेंगे और आकर बाबा वैद्यनाथ को वापस देवघर में जल चढ़ाएंगे। और हम लोग 40 कांवड़िए कांटाबांजी कांवड़िया संघ की तरफ से जा रहे हैं और बाबा वैद्यनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करें, ये सबकी आशा है हम लोगों की। हमारे जो सीनियर मेंबर, हमारे प्रेसिडेंट जो हैं राजेश शर्मा, वो विगत 30 वर्षों से बाबा धाम जा रहे हैं और बाबा की सेवा कर रहे हैं। इस वर्ष हमने निर्णय लिया कि हमारे साथ एक टीम जाएगी जो वहाँ रसोईया रहेगा, खाने की व्यवस्था रहेगी, संपूर्ण व्यवस्था के साथ हम लोग जा रहे हैं और साथ में हमारे कुछ सहयोगी जो सेवा करने के लिए भी बहुत तत्पर थे, उनको भी हम साथ लिए जा रहे हैं। तो इस साल ये 40 जन का हम लोग का ग्रुप है और भगवान की कृपा से हम लोग शीघ्र ही आज रात को 10:30 बजे करीब हमारी गाड़ी है, वहाँ प्रस्थान करेंगे। कल हम लोग पहुँच जाएंगे रांची, वहाँ से हम लोग पहुँच जाएंगे परसों सुबह देवघर और वहाँ से सुल्तानगंज। ये है हमारी यात्रा। सर, कांटाबांजी में पहले आप ही लोगों का ग्रुप स्टार्ट करने वाला है कांवड़ यात्रा, अभी इतने हजारों तादाद में जा रहे हैं कांवड़ यात्रा के लिए, कैसा लगता है सर आपको? जी, वहाँ तो बहुत अच्छा माहौल रहता है, बाबा की कृपा बनी रहती है, कभी भी लाइन नहीं टूटती, भक्तों का मेला सा लगा रहता है। और हम तो चाहेंगे कि कांटाबांजी में हमारे सीनियर ये बहुत पहले से ये शुरुआत किए थे और इस परंपरा को निभाते हुए हमारे कांवड़िया संघ आज तक उसको कंटिन्यू किए हुए हैं।